90 की बात ना करिए, बात करिए 2022 की। आपने ये कैसे कह दी 90? हम 2022 तक भी यहीं पड़े रहेंगे, तो जाने वाले नहीं हैं। जब 90 दिन में कुछ नहीं हुआ तो आगे जैसा न बोले फिर भाई कह दी क्या कह? हमारा काम है आंदोलन करने का, हमारा काम है विरोध करने का, हमारा काम है 2022 में भाजपा की सरकार को हराने का। विरोध तो घर बैठ कर सकते नहीं, सड़क पर बैठेंगे और यहाँ बैठा कर और इसे 2022 में वह जयंत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इन बेईमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो इससे तो किसानों का नुकसान है, ऐसा तो किसान शहीद भी हो रहे हैं। जैसा नुकसान महाराज के हो रहा, जैसा शहीद हो गए मोदी, मोदी उन्होंने तो बहुत रहा खिलान जा रहा है, और हमारे जो किसान शहीद हो रहे हैं उनको के नाम है उसमें पार्लियामेंट में, उसके जो भाजपा के सांसद हैं वे मौन के लिए भी खड़े हुए। जब राहुल गांधी ने वहाँ मौन कराया है उसमें, तो वे बेईमान नहीं हुए। उन्होंने हम 2022 के चुनाव में भाजपा की निकम में कार्यकर्ता और ये सांसद और एमपी को हम अंदर नहीं घुसने देंगे। लेकिन वो तो भी आपके गांव में चले गए थे। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। दोहरा रवैया कैसे है? अरे सुनो तो सही, हमारे गांव में नहीं गए, सामने में नहीं गए थे। पहले सुन तो, जैसे श्यामली के गांव में विरोध उसका हुआ नहीं हुआ? सुनो सुनो, पहले आपने तो बैठा ही भी ना। ऐसा मेरी बात सुनिए, ज्यादा नहीं, एक आधा गेहुआ में करंजुआ किसानों में भी एक आदमी जैसे ले आया पूरे गांव में और उसका विरोध कर दिया, भगा दिया, और इससे बड़ी क्या बात है भाई? देखिए सुनो, तुम सब एक ही थोड़ा हो, एक आधा तुम भी कन्वर्टिट कर सको इनमें न्यूज में, एक आधा ज़्यादा न्यूज ले दो हो। तो ऐसे देखो किसान में भी है, किसान को ये बात दाम कर रहे हैं, वो सांसद है। आप पहले दिन से यहाँ लगातार आ रहे हैं, बीच बीच में घर भी चले जाते हैं, लेकिन कहाँ फेलियर हो रहा है किसानों का जो सरकार नहीं मान रही? 3 महीने से ज्यादा भाई किसान रणनीति में ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कुछ कमी नहीं है। किसान मानेगी 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 हर हालत में, किसान की बात को ये सरकार माने की कैसे? रास्ता क्या है आपके पास? है भाई हम तो कानून, क्या रास्ते फेल होगी? क्यों 26 तारीख को आपने इतना ऐसा ट्रैक्टर रैली निकाली? सुनिए सुनिए, उससे पहले निकाली, चक्का जाम कर लिया, रेल बंद कर लिया, रेल बंद करने आप भी गए थे मोदीनगर, हमने रेल भी बंद। जो बाहरी हाईकमान हमें आदेश करेगी हम वो काम करेंगे, हम हटने वाले पीछे नहीं है। हाँ जो हम आदेश करेंगे बाहरी हाईकमान, ये तो बात हम अब भी करें, कानून से मतलब। देखो सुनो, हाई कमान मेरी बात तो सुनिए, आप दो राय ना करें, आंदोलन हो या घर हो या फैक्ट्री हो या मुखिया, जब चलता है जब उसका मुखिया एक होगा, हम न्यू खैच चल लगे और वे न्यू खैच चल लगे तो हमारी सर हमारी बात नहीं चलेगी। अगर उनकी ऐसा हमारा जो हाई कमान है क्या पागल है, वह मान लेगी इस बात को? जाइए वापिस, वे इतने कानून वापिस नहीं हो गए, वो मानने वाले नहीं हैं हमारी हाई कमान। अरे भाई सुन तो ले, फिर वाई आ गई, बार बार नहीं कहे करते हैं, 2022 में बता देंगे, और अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं वहाँ बता देंगे। क्या बताओगे वहाँ बंगाल में? ममता बनर्जी आवेगी, इसे हरा देंगे। गुजरात के किसानों ने तो तुम्हें बता दिया। अरे मेरी बात तो सुन ले, पहली तो हमने बताए ना है, गुजरात में भी सुन ले हमें ढाए हैं, और भाई फिर वाई होगी। तू तो एक बात ना, एक आध जैसा 26 स्टेट हैं और यू एक में तनवंशी कर गया है, और भाई तो 25 है। नहीं आप तो जन आंदोलन बता रहे हैं, फिर तो जन आंदोलन नहीं है। क्यों नहीं है जना? कौन से सूबे में नहीं है बताइए? तो बिहार में नहीं है, बीजेपी ने सबका सूपड़ा साफ कर दिया। पहले तो सुन ले, ऐसा मत ना कहे, वहाँ भी हमारा विपक्ष का आया है, वहाँ भी आए हैं, ऐसी आने से क्या फायदा? फिर क्या बात होगी? और वो पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? पीट रहे अपने। और यार सुन, पंजाब ने तो पहले साफ कर दिया। अरे हमारी बात तो सुन ले, अब भी साफ कर देंगे, ज्यादा मत ना बढ़ो, 2022 में उत्तर प्रदेश को सफा कर देंगे। विरोध करोगे? 2022 में सफा कर देंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। पर मन से नहीं कहते तुम लोग, मुझे देखिए और कैसा खवाओगे, यू हम पर बात भी हुई करा है। बेटे बेटे हम कैसे करवाओ, हम एग्जाम लिख देंगे, स्टाम्प हर खुशी करवाओ, बताओ बेटे कैसे कह रहे हम? तो ये प्रस्ताव पास कर लिया किसानों ने कि वोट नहीं देंगे बीजेपी। किसानों ने ये प्रस्ताव पास कर लिया भाजपा को, हम वोट नहीं देंगे। किसान मजदूर और जो ठेली वाले छोटे व्यापारी हैं, और तुम भी शामिल हो, और तुम भी हमारे साथ। नेपाल तो यही काम तो गलत हुआ ना सरकार साहब की नजरों में, और तो काम से पड़ेगी है ना? एक भी ना देखे, देखिए सुनिए, बड़ा लाला तू हमें भका रहा, सुनिए कौन सा अच्छा कर दिया? सुनिए सुनिए, हमें मंदिर की जरूरत थी ना, 60 रुपए लीटर पानी का उसका दाम है डीजल का, पेट्रोल के किसके 70, और 90 हो गया गन्ने का 4 साल में,
इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रुपया भी नहीं बढ़ाया है। महंगाई घटी और सुनिए बिजली के बिल। सीएम योगी ने कहा है कि योगेंद्र यादव कौन सा किसान है, अनाल मुल्ला जी कौन सा किसान है, और नेपाल सिंह तो किसान हैगा, पता कैसा करेगा। अरे स्ट्रॉबेरी उगाओ, गन्ना छोड़ कर स्ट्रॉबेरी उगाओ। क्यों काम तो सुनो, हम तो तैमंद उगावेंगे, पता कैसा करेगा। हम तो तैमंद बनावेंगे और हम यार कोई बात भी हुई कर फसल तो अब खेती भी सरकार ऐसा बेटे। एक बात सुनिए, हम वह चीज बोवेंगे जो हमारा जंगल में जो हमारे यहाँ चीज मांगेगा फसल, अच्छा दाम देंगे योगी जी कह रहे हैं। कोई सब 4 साल के अंदर गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 4 साल के अंदर 1 रुपया, और 18 महीने हो गए हमारा भुगतान अभी तक भी नहीं मिला। तो कैसे भुगतान होगा जब उन्हें 20 रुपए में किलो चीनी मिल लिया, 25 रुपए। भाई सुन तो रहे, पूरे चीनी तो फिर वही आ गई, चीनी तो अभी 35 या 36 बिक रही है, 20 तो ना बिक रही, कौन कह रहा 20 है। थोक में तो इतने भी मिल नहीं, 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 थोक में भी 32 के 33 के रेट है और 37-38 के खुदरा में। ये मत का तू चीनी रुक जा। मैं आपको बता रहा हूं, रुकिए सरकार को 20 में मिल जाए तो आपके 25 में क्यों। अरे सुन तो ले, तू चीनी किस भाव खरीद दिया दिल्ली में तो तू ही बता दे बस, किस भाव लाया, 40 ले आओ तो 35-36 गांव में हो रही है। लेकिन सरकार की जो मंशा नजर आ रही है ना, सरकार ये सोच रही है जो परंपरागत खेती है ना जैसे गेहूं गन्ना धान, वो इसको खत्म करने की सोच। ऐसा सरकार तो जड़ हमें भी खत्म कर देगी, सरकार तो जड़ केक के सोचेगी। हम सरकार की बात मानने वाले नहीं हैं, हम काम करेंगे अपने मन से। रास्ता हमारे पास ये है, हम यहीं रहेंगे और 2022 का चुनाव गाजीपुर बॉर्डर से करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार को भगाने का काम करेंगे। और इसी में वोट डालने का इंतजाम है, रुक तो जा, पहला रुक तो जाए कर, यू तो वोट भी तो हम ही गिरेंगे पहला। आप तो कमल के पुल पे फिर देखिए तू, फिर यू भाई सुनिए, लाला तू तो हमने चला रहा, तू बहुत देर हो गई, तू हमने पढ़ाया दिखाया, तू हमने बतला चला हुआ भाई, कमल के फूल को बेटे नहीं दे, नहीं दे। तो योगी जी कैसा कह रहे हो, तो बड़ा कर रहे हैं योगी, तो बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसा है सुन, वो बेटे सरकार झूठी निकम्मी और बेईमान सरकार है, हम उसे वोट नहीं देंगे। अब सोना भी उगले ना या जब भी नहीं देंगे, जब भी ना मानना है इसकी झूठी। तो मैं सुन सुन, आपने तो आपने ये दिख गया होगा, तुम भी। पर वैसे तो आप लोग कहते राजनीति से तो कोई मतलब नहीं, उधर जैसा रहे राजनीति का, और वे हमारी नाड़ काट है, उस नाड़ का भी विरोध ना करे क्या, ये तो बेईमान हमारी नाड़ काट रहे। क्यों आ रहे हो वोटों पर, क्यों आ रहे हो? सुन सुनो, जब ये हमारी बात नहीं मान रहे और हमने इनके वोट दे दी, हमारे पास हथियार केस कौन सा, तो ये राजनीति हो गया आंदोलन, ये हमारी सुन ले बे ना ना राजनीति, ये हमारी सुन ले बे और हम अपने घर को चले जा और कानून वापिस ले लिया मैं। कुछ भी ना, अब टिकैत साहब ने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 40 की बात मत ना करे, देखे कितना बावड़ा बात कर रहा हूँ, 50 लाख की बात कर, तुझे ये गारंटी दे रहे बेटे सुन लिए, जिस दिन टिकैत साहब का आदेश होगा यहाँ 40 नहीं होंगे अब 50 होंगे। और सुन, लेकिन 26 तारीख पहले मेरी सुनिए, बैठे 10 लाख जेल पाए, और मेरी बात तो सुनिए बेटे, चौधरी साहब के आदेश है टिलर लियो, मैं टिलर भी जोड़ कर ले आऊँ, क्या सड़क खोदोगे क्या? अरे नहीं सुन तो सही, उन्होंने कही, उन्होंने कही सारे ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट लाओ, इम्प्लीमेंट यंत्र लाओ, हम यंत्र लेकर आए बेटे। हाँ और सुनो, उन्होंने ये दिखा रहे हैं कि नेपाल सिंह असली है या नकली है, मेरी 70 साल नकली की तो बात खत्म हो गई, अब तो कह रहे जाटों का आंदोलन है। सुनो सुनो, क्या जाट है, बंगाली भी आ रहे, बंगाली भी, बंगाल के भी बेटे किसान आंदोलन है मेरे बेटे, बंगाल के भी है किसान के भी, ऐसे नहीं है बेटे। अरे हम नहीं कह रहे, अरे रुको, ऐसा है बेटे, हमारा 7 तो बिरादरी आई है, 36 बिरादरी का आंदोलन है, ना कि यो एक बिरादरी का आंदोलन, रास्ता तो नहीं निकल रहा ना, अब तो देखो फिर वही हो गई। सुन तो सही, बातचीत भी बंद है ना, और जैसा वो ना कर रहा है बेईमान, अब हम क्या करें, वो तो वहाँ कर रहा है, हमारे बस की क्या है भाई, वो काम तो उसका है, जैसे नहीं मान रहा हूँ
तो हम उसे मनाने का काम ही तो कर रहे हैं, हम पे क्या हथियार। मनाने का टाइम आता तो भूल जाते। अरे रुक तो जा, मेरी सुन तो लेकर भाई, तू तो हमें चलावे बहुत है भाई, यू छोरा तो हमने कभी जू खेचा कभी जू खेचा। अरे रुके बेटे सुन ले, हम ना भूले बे सुन ले, अब क्या तेरे सामने कह रहे हैं जो सरकार बन जाए तुम्हारा नाम बदल दिए, तू तो तेरा हमारा फोन नंबर भी है, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनन देंगे, वो तो कह रहे पश्चिम बंगाल में बनाएंगे। अरे ना पश्चिम बंगाल में बना, हम अभी गए हैं वहाँ भी के नाम सुन ले, ममता बनर्जी की सरकार ममता बनर्जी की बनाई, हमारे पास बंगाल के भी आदमी है, तुम भी बूझ लियो बेटे, ये नहीं है तेल पेट्रोल क्या करोगे, तेल के ऐसा है हमारी बात, इन्हें सौ का कर दिया, अब जो कर रहे हैं वे हमारी बात सुनिए, वे तेल का रेट बढ़ा रहे हैं, हम एक चीज कह रहे हैंगे हमारे भी दाम बढ़ा देते, हमारा एक रुपया बेटा नहीं बढ़ाया, एक रुपया किसान, देखिए किसानों का विकास कर रहे हो तो हमारा नाश कर रहे हैं, वे हमारा विकास कर रहे हैं नाश कर रहे हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ बेटे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हाँ भाई विकास नहीं, नाश कर रहे हम, मोदी भगवान के सामने ईमानदारी बता रहे हैं, थम जाओ थम जाओ।